हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितुविंस है। गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज की कटिंग विद इनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये हमारा मेन फैब्रिक है ब्लाउज का और ये इसका इनर है। तो ये इनर इसकी जो लेंथ मैंने रखी है वो 30 में बनाए तो हमारा कम्प्लीट तैयार हो जाता है, बट ये थोड़ी हेल्दी है तो इसके लिए मैंने 32 इंच लिया है। तो इसके लिए जैसे कि मैंने इसकी जो लेंथ रखनी है वो 15 रखनी है, तो 15 लेंथ में हम 2.5 इंच प्लस करते हैं। इनके 15 इंच हमने लिया और इसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे, ये 17.5 इंच हो गया। इसके बाद हम इसका तीरा लेंगे। तीरा हमने यहाँ से लेना है, जैसे कि 5.5 इंच का मैं तीरा लेंगी, वो हम इस हिसाब से लेते हैं जैसे कि हमारा नेक बैक वाला कितना बड़ा है। तो ये मैंने 5.5 इंच का लिया, 5.5 इंच हम यहाँ से लगाएंगे क्योंकि ये पट्टी हमारी फ्रंट में जो हुकाई की पट्टी है उसमें जाएगी। तो 5.5 इंच पर हमने ये निशान लगा दिया और 5.5 इंच पर ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे सामना देखने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर निशान सीधी लाइन जो मोटे की है वो लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसके बाद ये 7.25 इंच पर मैं जो ब्रेस्ट का निशान है उसके लिए लगा रही हूँ लाइन। तो इसके बाद जैसे कि जिसकी भी जितनी ब्रेस्ट है उसका हम चौथा हिस्सा लेंगे। ये मैं यहाँ से 9.5 इंच पर लगा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। और ये फिर 2.5 या 3 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इसकी टोटल जो ये ब्रॉड है ये मापेंगे, ये 12.5 इंच है। जो नीचे से हम कमर पर से लेंगे वो हम 12 इंच लेंगे, हमने 1/2 इंच कम लेना है। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये हम राउंड शेप दे देंगे। हम ये राउंड शेप जैसे कि हम कुर्ती में देते हैं तो हम इसके साथ से मिलाते हैं। ब्लाउज में हम इससे थोड़ी सी आगे लेके जाएंगे क्योंकि जब हम ये प्लेट डालेंगे तो वो जो फिटिंग का निशान है वो यहाँ तक आएगा। उस हिसाब से हमने थोड़ी सी जो ये राउंड है कर देंगे। ये हमने फ्रंट हिस्सा कट कर लिया है, उसके बाद हम बैक हिस्सा इस तरफ रखेंगे। हमने एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे कि हमने ये जो फैब्रिक लिया था इनर वाला, तो हमने जो फ्रंट हिस्सा कट करना है, जैसे कि ये हमने फ्रंट हिस्सा कट किया तो ये हमने ओपन साइड कट किया, अगर हमने आगे की तरफ हुकाई लगानी है तो। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना, जो हम तीरा लेंगे वो अंदर की तरफ लेंगे, यानी कि हम तीरा इधर नहीं लेंगे, हम तीरा अंदर की तरफ लेंगे। कोई भी ब्लाउज अगर हम कट करते हैं तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब जैसे कि हम इसको यहाँ से उठाएंगे तो हमारा तीरा कुछ यहाँ से निकल आएगा और हमारा ये फैब्रिक बच जाएगा स्लीव के लिए। तो अगर हम तीरा उस साइड लेते तो हमारा ये कपड़ा सारा वेस्ट जाता है। तो इस तरह से हम इस जो हमने ये पट्टी हुकाई के लिए रखी थी इसको हम बाहर की तरफ निकालेंगे और इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये हमने इसको यहां से भी कट कर लिया है। हम जैसे कि जिसके भी कंधे गिरते हो, कई बार कमेंट में पूछते हैं कि हमारे शोल्डर गिरते हैं, तो हम यहां से अंदर की तरफ इतनी सी छटाई कर देंगे शोल्डर की तरफ से। अब हम जो नेक है और जो निशान है प्लेट के वो निशान लगाएंगे। जैसे कि हमने नेक रखना है, नेक का निशान भी हम यहाँ से ही लगा रहे हैं। ये मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया और जितनी भी जैसे जो ब्रॉड मैंने 2.5 इंच की रखनी थी और जितनी लेंथ हमने रखनी है वो 6.5 इंच रखनी है, तो 6.5 इंच से हम ये राउंड दे देंगे। हमने बैक वाला निशान बाद में लगाना है तो वो हम बाद में लगाएंगे, उससे पहले हम एक बार जो ये प्लेट है इनका निशान और लगाएंगे। जैसे कि मैंने 10.5 इंच पर लगाना है क्योंकि जो ये है इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो 10.5 इंच पर मैं लगा रही हूँ। ये जो इसका हिसाब होता है जैसे 10, 11, 10.5 इतना ही होता है, वो आप जो प्लेट पॉइंट होता है उसके हिसाब से चेक कर सकते हो। ये हम प्लेट का निशान लेंगे, ये हम 3.5 इंच पर निशान ले रहे हैं इस पट्टी को छोड़ते हुए। तो 3.5 इंच पर हमने ये निशान लिया, उसके बाद हम एक निशान यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे। फिर भी आपको ये समझ नहीं आ रहा हो तो ये एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना, जैसे कि यहाँ से जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है इसके ऊपर ही हमने सारे निशान लगाने हैं। जैसे कि पहला निशान हम 1.5-2 वो फिटिंग के हिसाब से होता है, जैसे पतला मोटा जितना भी हो, तो ये थोड़ी सी हेल्दी है तो उसके लिए मैंने 1.5-2 पर पहला निशान लगाया है, 2 पर दूसरा, और ये जो तीसरा निशान हम लगाएंगे वो हम इन दोनों के सेंटर में लगाएंगे। और जैसे कि ये 1.5 पर हो गया, दूसरा 1.5-2 और तीसरा 2, ऐसे स्वाइस वाइज हम बढ़ा के ही लगाते हैं। यहाँ से ये प्लेट हमारी चली जाएगी, एक हमारी प्लेट इधर आएगी,
एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो हमारी ये चार प्लेटें हो जाएंगी। उसके बाद हमने हाफ इंच नीचे की तरफ भी झुकाना होता है प्लेट को, ताकि जब हमारा ये राउंड बनाए तो कुछ इस तरह से बन कर आए। तो ये हमारे प्लेट्स के निशान हो गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ताकि जब हम पलटे, ये कट हम फ्रंट हिस्से पर लगा रहे हैं ओनली। जो ये आगे आगे कट था ये हमने फ्रंट हिस्से पर ही लगाया है। अच्छा, अब हम इसका नेक कट कर लेंगे। एक बार आप दोनों भी एक साथ कट कर सकते हो, क्योंकि हमने बैक थोड़ा सा डिप करना है, तो वो हम बाद में करेंगे। ये हमने नेक कट कर लिया है, फ्रंट और बैक एक बार दोनों ही हमने कट कर लिया। इसके बाद एक हमने जो फ्रंट हिस्से में चटाई का निशान लगाना होता है, तो हमने ये निशान लगाया। ये हमने फ्रंट हिस्सा उठाना है ओनली, और इस पर हल्की सी चटाई कर देनी। हमने ज्यादा डीप नहीं करनी होती, क्योंकि जो हम प्लीट्स डालेंगे इसमें भी कपड़ा आप अंदर की तरफ कवर होएगा, तो ये ज्यादा ही डीप अपने आप हो जाएगा। तो ये हमारे प्लीट के निशान हो गए। हम बैक में भी सेम डिटो यही निशान पलटेंगे। तो पलटने का आपको आसान सा तरीका बता रही हूँ। जैसे कि इस तरह से हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इस तरह टैप टैप करेंगे, और जो सेम निशान है हमारे इस तरफ भी आ जाएंगे। फिर हम इनको पक्का कर लेंगे। जैसे कि इसके ऊपर रखकर हम देखेंगे तो हमारे निशान आ गए हैं, इनको हम पक्का कर लेंगे। ये हमने सभी निशान पक्के कर लेने हैं। हमारे जो ये निशान है सेम होने चाहिए दोनों पार्ट पर। तो ये हमारे निशान लग के तैयार हो चुके हैं। हमारा एक जो फ्रंट हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो बैक हिस्सा है उसके ऊपर भी प्लीट्स के निशान लगाएंगे, और जो नेक है उसकी भी लेंथ ज्यादा करेंगे। तो यहाँ से हमने 9 इंच पर निशान लगाए। ये हमने नेक तैयार रखना है इनका, और यहाँ से हल्की सी राउंड शेप दे करके इसमें मिला देंगे। ये हमारा बैक हिस्सा हो गया। और इसके बाद जो हमने प्लीट्स का निशान लगाना है वो भी हम, जैसे कि वो 10.5 पर लगाया था, तो हम ये 11 इंच पर भी लगा सकते हैं, या फिर 10 इंच पर भी लगा सकते हैं। वो हम बैक में चेक करते हैं कि किसका डीप ज़्यादा है बैक में, जैसे कि झुकाव होता है वो देख कर भी करते हैं। बाकी आप वैसे भी 10, 10.5, 11 इंच पर लगा सकते हो। तो ये मैंने 11 इंच पर लगाया है। यहाँ से हमने 4 इंच पर ये निशान लगाया, 4 पर नीचे लगाया है, और इसको भी हमने इस तरह से मिला देना है। ये निशान भी हम सेम इधर से ऐसे ही लगाएंगे। तैयार हो चुका है। अब इसकी जो नेक की कटिंग है वो भी हम कर देंगे। ये हमारा बैक और फ्रंट कट के तैयार हो चुका है। इसमें से हम स्लीव कट करेंगे। जैसे कि हमने स्लीव अगर हाफ बनानी होती है तो हम इसमें से कट कर लेते, बट मैंने चेक करना है, अगर इसमें से ज्यादा फैब्रिक हुआ तो मैंने पोनी स्लीव इसमें बनानी है, तो उस हिसाब से हम कट करेंगे स्लीव को। तो पहले हम इसका बैक और फ्रंट इसमें से कट कर लेते हैं, जो इसका ये मेन फैब्रिक है। जैसे कि वैसे तो हम कन्नी को मिलाकर, जैसे ये कन्नी है, इसको एक दूसरे के साथ मिलाकर कट करते हैं, बट इसके जो ये फ्लावर हैं उस हिसाब से हम कट करेंगे। तो ये हमने इस तरह से रखना है, ये जो फ्लावर हमने, मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। वैसे हम इस तरह से कटिंग करते हैं, बट मैंने सीधा ही आपको कट करके दिखाऊंगी। जैसे कि यहाँ से हमने इतना ही फैब्रिक फोल्ड कर लेना है जितना कि हमें चाहिए हो, जितना हमारी जो ये ब्रॉड इसकी बैक और फ्रंट हिस्से की है, यानी कि हम इसको एक बार माप कर देखेंगे। तो ये हमारी प्रॉपर तैयार है। तो हम एक बार इसमें से बैक हिस्सा कट कर लेंगे और एक बार फ्रंट हिस्सा कट कर लेंगे। तो सेम ऐसे ही रखते हुए हम जब इसको ऐसे रखें, तो हमने इसका ये भी चेक करना है कहीं ज्यादा या कम ना हो जाए। जैसे कि ये हमने 5.5 इंच पर लिया था, तो हमारा 5.5 इंच ही हमारा ये होना चाहिए। इसको हम इस निशान के साथ ऐसे मिलाएंगे। आप चाहो तो ये नेक बाद में भी कट कर सकते हो, जब हम ये पूरी कटिंग कर लें। तो हमने ऐसे ही इसको कट कर लिया। नीचे से भी हम फिनिशिंग दे देंगे।
ये हमारा एक हिस्सा बैक वाला कट के तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट हिस्सा कट करेंगे। तो फ्रंट हिस्सा भी हम कुछ ऐसे ही कट करेंगे। हमने ये उठाया फ्रंट हिस्सा इनर का। ये हमने फ्रंट हिस्से को भी कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट और बैक हिस्से दोनों कट हो चुके हैं। ये हम यहाँ पर भी एक कट लगा देंगे छोटे छोटे, ताकि जब हम इसका इनर अटैच करें तो हमारा एक साथ अटैच हो जाए, कोई भी गलत ना हो। यहाँ से भी हम इसको अलग कर देंगे। ये मैं बिल्कुल सिंपल बेसिक से ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग आपको बता रही हूँ। तो ये हमारे दोनों इसे कट के तैयार हो चुके हैं। जैसे कि हम ये इसकी स्लीव कट करेंगे। यहाँ से हमने स्लीव 5.5 इंच तैयार रखनी है, तो 6.5 इंच है ये हमारा। तो इसको 1/2 इंच हमें जो भी तुरपाई या वगैरह कुछ भी करेंगे, पाइपिंग लगाएंगे, उसमें दबा देंगे। और जो इसकी मोहरी है वो है 6 इंच, 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ये हमने यहाँ से लगाया सर। अब इसकी कटिंग करते हैं। हमारी स्लीव कट चुकी है। यहाँ से हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ऊपर की तरफ, जो हमने यहाँ से ब्लाउज कट किया था, इसको इस तरह से लेंगे और ऐसे रखते हुए दोस्तों कल इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी मैं डाल दूंगी, आपने उसको पूरा देखना है दोस्तों, और कहीं भी स्किप नहीं करना है दोस्तों वीडियो को। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये दोस्तों मैं सब आपके लिए ही कर रही हूँ। मैं आपको सिलाई सिखा के ही छोड़